नमस्कार, मैं हूं देवांशु। पटना वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इस मायने में है कि पटना का पहला ऑर्गेनिक सब्जियों का दुकान जो है वो खुल चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में उस सब्जी की दुकान पर लेके चलेंगे और ये बताएंगे आखिर ये ऑर्गेनिक की सब्जी की दुकान संचालित किन के द्वारा हो रही है और कैसे विश्वास करें कि ये जो दुकान है ना ऑर्गेनिक ही सब्जियाँ बेच रही है। तो हम लोकेशन भी बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में सरकार जो है ऑर्गेनिक सब्जियों को बढ़ावा दे रही है, खासकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप जो है ऑर्गेनिक सब्जियां जो हैं उगाए। और इसी कड़ी में सरकार की एक अच्छी पहल हुई है, सरकारी दुकान खुली है भाई साहब। और सरकारी दुकान ऑर्गेनिक सब्जियों का और ऑर्गेनिक फलों का एक बड़ी समस्या रहती है। लोग चाहते तो हैं कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं, लेकिन खाएं कैसे, क्योंकि बाज़ार में तो सब्जियां मिलती हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं मिलती। लेकिन पटना वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, ऑर्गेनिक की दुकान जो है वो पटना में खुल गई है। और किसी और ने नहीं, किसी प्राइवेट आदमी ने, बंदे ने नहीं, सरकार की तरफ से खोली गई है, बिहार सरकार के कृषि विभाग की तरफ से। और जो तरीका है ना, जो चेन है ना वो काम करने का, वो पूरे वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये हाँ भाई साहब ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। चलिए उस दुकान की तरफ एक नज़ारा, एक दीदार आपको करवा दे। पटना की पहली ऑर्गेनिक सब्जियों का दुकान, जहाँ पर आप कोई भी सब्जी और फल की खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दुकान के अंदर चलते हैं। चलिए हम आ गए हैं पटना के पहले ऑर्गेनिक सब्जी की दुकान पर। देखिए विजुअल्स देखिए, सब्जी में सब कुछ मौजूद है। दरअसल आपको ये जानकारी दे दे कि बिहार सरकार है ना वो ऑर्गेनिक की खेती पूरे बिहार में करवा रही है। खासकर बिहार सरकार के कृषि विभाग जो है वो काफ़ी सजग है और उसी के तरफ से ये संचालित है पटना का पहला ऑर्गेनिक वेजिटेबल शॉप, जहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हैं केमिकल से बिना सब्जी उगाए हुए यहाँ पर मिल रहे हैं। ये दुकान शॉप आखिर पटना के किस जगह पर है और प्राइसेस क्या हैं, क्या सब्जियाँ जो हैं यहाँ मंडी से महंगी मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं या बराबर रेट पे मिलती हैं, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा विजुअल देखिए, जो भी स्क्रीन पर आप सब्जियाँ देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं। कोरोना काल के बाद ऑर्गेनिक की डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोगों ने कोरोना से इतना तो सीखा है कि उन्हें ऑर्गेनिक के तरफ जाना चाहिए। लोग शहर के छतों पर भी सब्जियां उगा रहे हैं और खासकर जिनके पास जगह नहीं है वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें ऑर्गेनिक चीज़ मिले। लेकिन मिले कहाँ, कैसे मिले, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आप सब्जी लेने जाते हैं तो ये तो ऑर्गेनिक होती नहीं है और ऑर्गेनिक का कोई दुकान होता नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी ऑर्गेनिक के दीवानों या ऑर्गेनिक की चाह रखने वालों के लिए कि पटना में भी खुल गया है ऑर्गेनिक का दुकान। विजुअल्स आप देख रहे हैं, एक एक कर सभी सब्जियों का दीदार कर रहे हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस दुकान का फिलहाल दुकान में मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। ये रोशन कुमार इनका नाम है, इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर जो है वो सब्जियाँ जो है वो बेची जा रही है। पटना का पहला ऑर्गेनिक स्टोर है। क्या क्या है सब्जियाँ, क्या दाम महंगे हैं सब्जी मंडी से, ये बता दीजिए। मेरे यहाँ सब्जी सारा चीज़ ऑर्गेनिक रहता है, यहाँ मार्केट से सस्ता ही रहता है, सब सरकारी रेट में यहाँ पे रहता है। हाँ, सब सरकारी रेट में। हाँ, सब सरकारी रेट में। कृषि विभाग के द्वारा? हाँ, कृषि विभाग के द्वारा चलता है। हाँ देखिए, सरकारी रेट में ये बता रहे हैं कि सब कुछ सस्ता ही रहता है। देखिए एक चीज़ है कि ऑर्गेनिक सब्जी और जो मंडी में मिलती, लोग कहें कैसे हम विश्वास करें कि ये ऑर्गेनिक है, कैसे मैं विश्वास करूँ कि ये ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है सर, नालंदा जिला चंडी में इसका बनाया हुआ है सेंटर पॉली हाउस, उसमें ये ऑर्गेनिक पूरा होता है सर। इसमें प्रूफ करने के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर, वो आप कर सकते। चलिए देखिए सर्टिफिकेट की और भी दिखा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस एक संस्था है जो कि बिहार में ऑर्गेनिक खेती जो है वो किसानों के ज़रिए करवाती है। और जो किसान चंडी या कहें कि नालंदा जिले में चंडी आता है, वहाँ के किसानों से हर दिन खरीदते हैं आप लोग ये सब? हाँ, हम लोग हमेशा खरीदते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ ताज़ा मिलता है सब्जी। हाँ। सुबह पहर आता है गाड़ी या रात में आता है गाड़ी, यहाँ पे सारा चीज़ आपको ताज़ा मिलेगा, डेली आता है गाड़ी। दो महीने हो गए तकरीबन खुले हुए, यहाँ पे तीन महीना हो गया सर। हाँ, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? हाँ, ठीक ठाक है सर यहाँ पे। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा प्राइस चार्ट दिखा देते हैं। ये पटना का पहला ऑर्गेनिक सब्जी दुकान है।
फल भी मिलते हैं, लेकिन फिलहाल ये बता रहे हैं कि फल अभी खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं टमाटर 20 रुपये। हाँ यहाँ पे सारा चीज आपको सीजनली मिलेगा, फल का सीजन नहीं है सर। अगर फल का सीजन आएगा तो फल का भी यहाँ पे मिलने लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। टमाटर 20 रुपये किलो मिल रहा है, कटहल 80 रुपये किलो, सहजन 80 रुपये किलो, करेला 70 रुपये, बीट 80 रुपये, भिंडी 80 रुपये, परवल 80 रुपये, मिर्ची 120 रुपये किलो, नेनुआ 80 रुपये किलो, लहसुन 100 रुपये कीजो, आदि 120 रुपये किलो, बैगन जो है वो मिल रहा है 20 रुपये किलो। देखिए तो कुल मिला कहें कि हाँ बोलिए, कहने का मतलब सर कि यहाँ पे कोई इसका रेट का इशू नहीं है सर, यहाँ पे डेली रेट चेंज होते रहता है, जैसे जैसे वहाँ पे माल आता है उससे यहाँ पे रेट चेंज होते रहता है सर। हाँ सर, जैसे जैसे सामान आता है और रेट चेंज होता है। ये सब ये कुछ लगता है अचार भी बेच रहे हैं सर? ये सब अचार भी बेचते हैं सर, ये माला किशन पटना सिटी का है। हाँ, उन्हीं का अचार है। अच्छा, सारा चीज़ अपना घर में बनाते हैं सब लोग, पूरा फ्रेश से एकदम बनाते हैं सर सारा चीज़। हम लोग उनको प्रॉफिट अथी करते हैं सर, क्या बोलते हैं, 20% उनको देते हैं सरकार द्वारा उनको मिलता है, वो भी सब ऑर्गेनिक ही है सर। तो सब कुछ ये ऑर्गेनिक ही है, देख सकते हैं अचार भी इनके यहाँ मिल रहा है। अचार दरअसल आपको बता दें कि जो महिलाएं होती हैं खुद घरों में अचार बनाती हैं, उनसे ये खरीद रहे हैं। एक तरह से कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। हाँ, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, माला किसान नाम, अचार भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो सब्जियों पर एक बड़ी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आया है ये दुकान, और ये कृषि विभाग की तरफ से ये दुकान संचालित हो रहा है। और आपने शायद विजुअल में भी देखा होगा कि सब कुछ इनके पास अवेलेबल है, चाहे वो शिमला मिर्च की बात करें तो पीला वाला शिमला मिर्च, हरा वाला शिमला मिर्च, लाल वाला शिमला मिर्च मौजूद है। उसके अलावा टमाटर है, नेनुआ है, भिंडी है, तमाम तरह की जो सब्जियां मौजूदा सीजन में जो अवेलेबल है वो यहाँ मिल रहा है। आलू, प्याज, सारा चीज़। आलू भी ऑर्गेनिक है? हाँ सर, सारा चीज़ ऑर्गेनिक है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये पटना के लोग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि आप पटना में ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद सकते हैं। तो कटहल तो ऐसे भी ऑर्गेनिक ही होता है, पेड़ पे उगता है, लेकिन अब सब्जियां ऑर्गेनिक मिलने लगी हैं। और आप सोच रहे होंगे आखिर ये पटना में दुकान कहाँ है। देखिए आपके जहन में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये कैसे माने, तो हम आपको बता रहे हैं ये ऐसे मानिए कि ये बिहार के कृषि विभाग द्वारा संचालित है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन इस दुकान को खोलते तो शक और शंका भी होती कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, लेकिन इसे तो कृषि विभाग चला रही है। कृषि विभाग मुनाफे के लिए चला ही नहीं रही है। ये दुकान जहाँ पर है और जितने कम ग्राहक आते हैं, ग्राहक ज़्यादा अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इसका प्रचार होगा ना तो लोगों को पता चलेगा कि ऑर्गेनिक स्टोर है, तो लोग आएंगे, तब इनका माल जो है जल्दी जल्दी खप जाएगा। ये सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट संचालित कर रही है। और बिहार में क्या है ना कि गंगा किनारे जहाँ से भी बिहार गंगा में गुजरती है, जैविक कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है, यानी कि ऑर्गेनिक खेती को नीतीश सरकार जो है वो लगातार बढ़ावा देने का प्रयास करती है। सरकार चाहती है कि किसान ऑर्गेनिक खेती करे, और उसके लिए सरकार जो है से जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो कर रही है। और इसी कड़ी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पटना का पहला ऑर्गेनिक स्टोर खुल चुका है। आप ग्राहक हैं सर? जी। यहाँ ऑर्गेनिक सामान मिलता है? जी जी जी, मैं वही खरीदने आया हूँ। तो क्या जब आप ले जाते हैं तो क्या टेस्ट लगता है ऑर्गेनिक आप खा रहे हैं? ऐसा है कि वैसा ही जैसा लगता है हम लोग को, जो शुरू से आदत है, खाली हम लोग समझ के आते हैं ऑर्गेनिक है, चीज़ अच्छा लगता है खाली। हाँ, अच्छा। लेकिन हम लोग को पहले से कोई आइडिया नहीं है कि ऑर्गेनिक का क्या टेस्ट होता है। गोभी भी ले गए हैं, लेकिन वैसा जैसा वो लगता है वैसा ही वो लगता है। अच्छा, आपको विश्वास, देखिए ये तो गवर्नमेंट के द्वारा है, प्राइवेट रहता है तो आदमी के मन में लगता है कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट तो मुनाफा करने के लिए ये दुकान संचालित हो ही नहीं है। इसके बारे में आप हमसे ज़्यादा बताएंगे। हाँ। ज़्यादा अच्छा कि क्या मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। हाँ, तो नहीं, मुनाफा की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको ये भरोसा है कि इस दुकान में जो सामान मिल रही है ऑर्गेनिक है? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले से कोई आइडिया ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ इस पर। चलिए, हमें अपनी सरकार पर भरोसा जो है वो करनी चाहिए, और खासकर दुकान बहुत अच्छी बनी है और हाँ। अच्छा लगता है आने में यहाँ पर, अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। चलिए अच्छा। मैं कहूँगा कि ये पटना, बिहार की राजधानी पटना का पहला ऑर्गेनिक स्टोर है जहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिक सामान मिलता है। बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। अब हम वीडियो के एंड पे ये कहें कि आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, तो अब हम आपको इस लोकेशन भी बता देते हैं आखिर इस दुकान की लोकेशन है कहाँ, ये दुकान कहाँ पर है। दरअसल आपको बता दें कि ये शहर के बीचों बीच में ये दुकान उपलब्ध है, और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा इधर भी आ जाएं और दिखा दें ये रोड आखिर ये है कहाँ पर। तो आपको बता दें कि ये जो दुकान है ना, बिहार की राजधानी पटना के हड़ताली मोड़ के पास है, जो स्क्रीन पर आप विजुअल्स देख रहे हैं।
है वो रोड जो ग्रीन कलर का नेट दिख रहा होगा वो बेली रोड है और ये पंत भवन में ये दुकान है। तो लोकेशन हमने आपको बता दिया, अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। जो लोग ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं ताकि उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य सही रहे, तो उनके लिए ये दुकान जो है ना किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं।